हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डेली प्लांट्स व्लॉग। देखिए, ये है प्यारा सा डेंटस प्लांट जिसे हम नर्सरी से लेके आए हैं, और आज हम जानेंगे इसकी रिपोर्टिंग करना, किस तरीके से इसकी रिपोर्टिंग की जाती है। चलिए जानते हैं। डेंटस एक ऐसा पौधा है जो आपके घर में साल भर भी रह सकता है। बहुत खूबसूरत पौधा होता है और इसमें बहुत सारे फ्लावर्स आते हैं। इसके लिए बहुत बड़ा पॉट नहीं चाहिए, आपका छोटा पॉट भी इसके लिए यूज कर सकते हैं, बहुत खूबसूरत सा। लेकिन जब भी आप प्लास्टिक का पॉट यूज करते हो उसमें ड्रेनेज होल बहुत सारे होने चाहिए। तो पौधा ग्रोथ इसलिए नहीं करता है कि उसमें ड्रेनेज होल नहीं होते। लोग जनरली ड्रेनेज होल नहीं बनाते हैं, आपको बड़े बड़े ड्रेनेज होल बनाते हैं। और ड्रेनेज होल भी बनाने के बाद आप बहुत बड़े पत्थर मत रख दीजिए उसमें, ताकि उसमें कम से कम ऐसा तो हो कि और सांस ले सके पौधा। इसलिए आप प्रॉपर ड्रेनेज होल के बाद इसको लगाइए। अब जब भी आप इसको लगाते हैं तो जो ग्रो बैग होता है ना, उसको बहुत प्यार से निकालना होता है आपको, ताकि इसकी रूटें डिस्टर्ब ना हो। इसकी जो सॉइल मिक्स की बात है, ये जो इसमें सॉइल चाहिए, इसमें आपको रिवर सैंड थोड़ा ज़्यादा मिलाना है ताकि मिट्टी ज़्यादा भुरभुरी बन सके। इसमें आप ऐसे बलवी और दोमट मिट्टी का कॉन्सेप्ट है, आप कर सकते हैं, बालू मिट्टी यूज कर सकते हैं इस, क्योंकि इसमें क्या है, पानी बिल्कुल भी नहीं पसंद है इस पौधे को। आप इसके सरफेस में ऊपर 1 mm 2 mm तक ही आप पानी डालिए इसके अंदर। ये साल भर भी चल सकता है, लेकिन बहुत तेज़ गर्मी में जल जाता है और इसमें बहुत जल्दी फंगस लग जाती है। तो बीच बीच में आप इसमें फंगीसाइड भी डालते रहिए। इस तरह से आपको इसको लगाना है। ये मिट्टी भुरभुरी है बिल्कुल, इसमें सिर्फ गोबर की खाद मिली हुई है, रिवर सैंड मैंने मिलाया नहीं क्योंकि मेरी मिट्टी ऑलरेडी भुरभुरी है। इसमें पानी आपको आज थोड़ा सा बढ़ा के डालना पड़ेगा जब मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ। ट्राई कीजिए कि शाम को रिपोर्ट कीजिए, सुबह मॉर्निंग में मत कीजिए। पौधा कई बार मर जाता है, तेज़ धूप में पौधे मर जाते हैं, इसलिए इसको मॉर्निंग के आपको इवनिंग में ही इसको रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट करने के बाद इसमें पानी आज थोड़ा सा ज़्यादा देंगे, और उसके बाद इसको पानी की ज़रूरत तभी जब इस थोड़ा सा इसको लगे कि ऊपर इसकी मॉइस्चर नहीं है, तभी आपको पानी देना है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप लंबा ग्रोथ करना चाहते हैं तो जब भी इसके फूल सूख जाते हैं, आप इस तरह से पिंचिंग उस फूल को उसकी जड़ से, यहाँ पर से लगभग उसकी, जहाँ पर इसकी लगभग फूल का आखिरी कोना, यहाँ से आपको काट के अलग कर देना है। उससे क्या होता है कि पुराने जो फूल हैं वो पोषण नहीं ले पाते हैं और नए फूल ग्रोथ होने में मदद मिलती है। और इस पौधे को आपको लगभग 3 या 4 घंटे की मॉर्निंग की धूप चाहिए, और गर्मी में सुबह 10 से 15 मिनट की इसमें धूप चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। और जनवरी और फरवरी की धूप इसको अगर दिन भर भी देंगे तो ये पौधा अच्छा ग्रोथ करता है, लेकिन अक्टूबर, जहाँ जैसे यहाँ मैदानी भागों में अक्टूबर में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है और ये 30 से ऊपर टेम्परेचर झेलने में थोड़ा सा इसको दिक्कत होती है, इसलिए मैक्सिमम इसका टेम्परेचर जो हो 28 से 30 होना चाहिए, तो ये बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा। और पानी का ध्यान रखिए इसमें, और इसमें नॉर्मली आप गोबर की खाद मिलाइए या वर्मी कंपोस्ट मिलाइए, कोई केमिकल वेमिकल यूज मत कीजिए। बस कभी कभी 15-20 दिन में एक बार हल्का सा फंगीसाइड का छिड़काव कर दीजिए। इस तरह से आपका फ्लावर बहुत अच्छा रहेगा, हेल्दी रहेगा, खूबसूरत रहेगा, और साल भर भी आप इसको, अगर समर में भी इसको आप दिन में सीड दे सकें तो ये साल भर भी टिक सकता है आपका। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।